हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ। एक, लीवर की परेशानियाँ किन लोगों को देखने को मिलेगी, मतलब क्या सिम्टम उनके अंदर आएंगे। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि उनको आँतों की बीमारी होती है और वो लीवर की बीमारी समझ के लीवर का ट्रीटमेंट करते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट देखे हैं, उनके सिम्टम्स मैंने पूछे हैं, रिपोर्ट्स उन्होंने करवाई हैं, तो वो सारी चीज़ें नॉर्मल आती हैं और उनको पता नहीं लग पाता है और वो लीवर का ही ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। तो दोस्तों, आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए, छोटा सा वीडियो है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। हम देखते हैं, जब भी कुछ ऐसा खाते हैं तो हमारे पेट में भारीपन होना शुरू हो जाता है, खास करके इस वाले एरिया में जो हमारा अपर एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है, जहाँ पे हमारी लीवर की लोकेशन होती है, यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है। और पेशेंट कोई भारी चीज़ें खाता है, जैसे छोले, राजमा और कढ़ी, चावल, ऑयली चीज़ें या फिर मोमोज, चाउमीन, इस तरह वाली जो चीज़ें हैं पेशेंट खाता है, तो उसको समस्या होनी शुरू हो जाती है। जब भी खाता है कई दिन तक प्रॉब्लम उसको रहती है। अब इसमें मेन चीज़ आती है कि उसको लगता है कि यार लीवर में प्रॉब्लम हो रही है मेरी, यहाँ पे भारीपन है तो लीवर में प्रॉब्लम हो रही है, जी कच्चा हो रहा है तो लीवर के अंदर कोई समस्या चल रही है, गैस ज़्यादा बन रही है, तो सारी चीज़ें उसको लगता है कि लीवर से हो रही है। बट जब भी वो अपनी जाँच करवाता है, इस तरह के पेशेंट होते हैं वो कई कई बार अपनी लीवर की जाँच करवाते हैं, पता लगता है हर पेशेंट हर 10 दिन में अपनी लीवर की जाँच करवा रहा है और उसके लीवर की जाँच बिल्कुल नॉर्मल आती है, वो और ज़्यादा परेशान कि यार मेरे लीवर के अंदर इतनी समस्याएं हैं बट जांच के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें, सारी प्रोफाइल उसके बिल्कुल ठीक आ रही है, सारे एंजाइम्स बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। पेशेंट लीवर के सिरप पी पी के थक चुका है, उसके अंदर बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उस पेशेंट को आंतों की समस्या हो सकती है, पहली। सेकंड, उसको समस्या हो सकती है स्टोमक की, जो हमारा पेट होता है। पेट आप जानते हैं, जहाँ पे हमारा खाना जाके इकट्ठा होता है उसको हम पेट बोलते हैं, इंग्लिश में मेडिकल टर्म में उसको हम स्टमक बोलते हैं। तो अधिकतर केस में देखने को मिलता है कि आंतों के अंदर सूजन मिलती है, मोस्टली केसेस में यही देखने को मिलता है कि पेट में भारीपन है, उनको लगता है गैस ज़्यादा बननी है, लीवर की समस्या है, बट उनकी आंतों में समस्या, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर समस्या है। क्या ज़्यादा समस्या है कि ठीक से उनका पेट साफ़ नहीं होता, वो कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, ठीक है, ठीक से पेट उनका साफ़ नहीं हो रहा है। उनको अगर मल आता भी है तो वो काफ़ी प्रॉब्लम के साथ आता है, बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल आती है। हार्ड स्टूल नहीं है तो कुछ चिपचिपे पदार्थ के साथ, जिसको म्यूकस बोला जाता है, हिंदी में उसको आम बोला जाता है, मेडिकल टर्म में वो कोलाइटिस वाली कंडीशन होती है। तो इस तरह की जो समस्याएं देखने को मिलती है वो पेट से संबंधित होती हैं, आंतों से संबंधित होती हैं, इंटेस्टाइन से संबंधित होती हैं। इस तरह के पेशेंट को दूध बिल्कुल भी नहीं पचता, जब भी वो दूध पीता है उसको पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, उसको दस्त लगते हैं, पेट में मरोड़ होती है, ऐठन होती है, जी कच्चा ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा गैस बनती है। तो पेशेंट इस कंडीशन में वो लीवर के सिरप लाके पीते रहते हैं, आराम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो मैं यही उनसे बोलना चाहूँगा कि आप अपने लीवर की जांच छोड़ दीजिए, आप जो भी लीवर का सिरप पी रहे हैं अगर आपको उससे आराम लगता है तो आप उसको पीते रहिए कंटिन्यू में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ आपको आराम नहीं है, बहुत लंबे समय से आप परेशान हैं, बीमार हैं और आपका वजन भी घटने लगा है, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जिससे कि वो आपको प्रॉपर डायग्नोस कर सकें कि आपके अंदर क्या मेन समस्या चल रही है। अगर आपको आंतों की समस्या है तो आंतों से ही रिलेटेड आपको मेडिसिन दी जाए, चाहे आप कोई सा भी ट्रीटमेंट लें, चाहे होम्योपैथिक लें, आयुर्वेदिक लें या फिर एलोपैथिक लें। एग्जैक्टली अगर आपको पता है या फिर डॉक्टर को पता लग जाता है कि हाँ आंतों के अंदर समस्या है, लीवर के अंदर समस्या नहीं है, तो आप बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो आप ऐसी गलती मत कीजिए और अपने सिम्टम्स को आप ठीक से अपने डॉक्टर को आप जरूर बताइए, जिससे कि वो आपकी प्रॉपर जांच करवा सकें और आप जिससे वो आपको पूरा उचित ट्रीटमेंट वो आपको दे सकें। दोस्तों, किसी भी तरह की ट्रीटमेंट के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप वहाँ पे जाके जानकारी ले सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।